देखिए जो पोस्टर पे हमला हुआ है वो भी बहुत निंदनीय है। हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी ही के एक विंग के वो एक नेता है और भारतीय जनता पार्टी के ही मंत्री और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पोस्टर पे जूता बरसा रहे हैं, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए। हम तो एक हमदर्दी के नाते और एक सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए हमारे लोगों ने पूछा कि भाई आप इस तरह का व्यवहार क्यों करते हो, जबकि वो तो अपनी पार्टी के लोगों में जूता बरसा रहे थे, तो उस पर इनके साथ बदतमीजी से पेश आए। तो ऐसे लोग जो बहुत मन बढ़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों, तो मन बढ़े लोगों का जो किसी को भी गाली दे दें, किसी के खिलाफ फेसबुक पे पोस्ट कर दें, किसी को चोर बेईमान बना दें, किसी को गुंडों का साथी बना दें और जो चाहे जिसके बारे में उल्टा सीधा बोल दें और जब कोई उनसे सवाल करे तो उसके ऊपर वो हाथ चला दें, तो ऐसे लोगों के बारे में तो प्रशासन को सोचना चाहिए। वरना ऐसे लोग जो मन के बढ़े हुए हैं वो आज हमारे साथ कर रहे हैं, कल आपके साथ करेंगे, तो ऐसे लोगों को ठीक करना जरूरी है। जनपद की कानून व्यवस्था कैसे देख रहे हैं, कलेक्ट्रेट परिसर में हमला हो रहा है? इसका अंदाजा तो लगेगा इसकी कार्रवाई से। अगर प्रशासन इस पर कड़ी कार्रवाई करता है तो हम लोग समझेंगे कि प्रशासन ईमानदारी से कार्रवाई कर रहा है, और प्रशासन दबाव में आ जाता है, प्रशासन दबाव में वर्तमान समय नहीं करता है तो फिर समाजवादी पार्टी देखेगी क्या करना है। वर्तमान पुलिस ऑफिस और कलेक्ट्रेट में ही हमला होगा, जहां सुरक्षा मांगने आ रहे हैं। चिंता का विषय है ना कि जहां लोग सुरक्षा मांगने के लिए आते हैं, जहां इसलिए आते हैं कि हमको सुरक्षा मिलेगी, वहीं पे इस तरह का हंगामा हो रहा है और वहीं इस तरह की घटना हो रही है जो बहुत ही शर्मनाक है। हमारे लिए कम शर्मनाक है लेकिन जिला प्रशासन और पुलिस के लिए ज्यादा शर्मनाक है कि उनके पैरों के तले और उनकी मौजूदगी में उनके सामने पुलिस भी वहाँ मौजूद थी, उनके सामने इस तरह घटना हो रही है और जो अपराधी हैं वो ठाठ से घूम रहे हैं, कोई उनका बिगाड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हवाला कुछ और देते हैं। कहीं ना कहीं भाजपा से संबंध रखते हैं, उसका भी असर है क्या? देखिए भाजपा से अगर उनका संबंध ना होता पुलिस उनको पीट के आदमी ना बना देती, बताते कहीं ना कहीं तो है। लेकिन मेरा तो ये कहना है कि वो तो भाजपा को भी नहीं छोड़ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले भाजपा के जिला अध्यक्ष के बारे में क्या क्या नहीं लिखा आप लोगों ने भी देखा होगा। बताते हैं मुख्यमंत्री करीबी। अरे भैया मुख्यमंत्री करीबी है तो क्या करोगे, सबका चलते फिरते लोगों को पीटते फिरोगे आप? मुख्यमंत्री करीबी है तो मुख्यमंत्री जी का भी तो नाम बदनाम हो रहा है। जिस पोस्टर पे जूता बरसाया गया उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी की फोटो है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बीजेपी की फोटो है, माननीय मुख्यमंत्री जी की फोटो है, तो जूता तो सब पे बरसा ना। अब बीजेपी वालों को शर्म ना आवे तो हम क्या करें? अब इसमें तो बीजेपी वालों को शर्म आनी चाहिए कि ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर निकाल गए, पार्टी संबंधित संगठनों में है तो उनको बाहर निकाले और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम समझेंगे कि बीजेपी के इशारे में सब हो रहा है, देखा जाएगा।